दोस्तों नमस्कार। जब भी इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई मैच होता है तो गौतम गंभीर बहुत चर्चा का विषय होते हैं। इसलिए नहीं कि वो पुराने खिलाड़ी हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो एक रणनीतिकार हैं इस टीम के। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो खबर चौंकाने वाली है। कम से कम लखनऊ सुपर जायंट्स के जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो छोड़ रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को। जी हाँ, उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब वो एक नई आईपीएल टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उन्होंने जो एक्स पर जो मेंशन किया है, जो जिक्र किया है अपने संदेश में, उन्होंने कहा है कि मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ अपनी जर्नी के समाप्त होने की घोषणा करता हूं। मुझे सभी खिलाड़ियों, कोचों, स्पोर्ट्स स्टाफ और यहाँ तक कि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब का मुझे बहुत प्यार मिला है और इसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टर संजीव गोयनका, जो कि इंस्पायरिंग लीडर हैं, उनकी लीडरशिप का मैं कायल हूं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में ये टीम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स जो है बहुत ही शानदार प्रदर्शन करेगी और अपने फैंस को गौरवान्वित होने का मौका देगी। अब यहाँ यह भी सवाल उठता है कि जब आप इतना इस टीम के बारे में पॉजिटिव कह रहे हैं और सबसे आपको बहुत प्यार मिला, तो फिर इस टीम को छोड़कर दूसरी टीम में जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन उन्होंने इस बारे में बहुत ही क्लियर कर दिया है कि मैं अब अपने घर वापसी कर रहा हूँ, यानी अपने घर नहीं बल्कि जो KKR की टीम को अपना वो घर मानने लगे हैं और उसी टीम में वो वापस लौट रहे हैं। और बल्कि उन्होंने कहा कि KKR ही नहीं बल्कि सिटी ऑफ जॉय में मैं लौट रहा हूँ। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं और कोलकाता टीम के साथ वो फिर से जुड़ने जा रहे हैं बतौर मेंटर। और उन्होंने कहा कि जीत की भूख के लिए मैं बेकरार हूँ, क्योंकि हम आपको याद दिला दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अभी तक कोई टाइटल नहीं जीत पाई है, लेकिन प्लेऑफ में हर मौके पर पहुंची है। और वही 2011 में जुड़ी थी ये गौतम गंभीर जुड़े थे इस टीम के साथ, KKR की कप्तानी की थी इन्होंने और चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। और उसके बाद 2012 में ये टीम पहली बार जो है चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर चैंपियन बनी थी। और उसके बाद 2014 में इसी सफलता को दोबारा उन्होंने दोहराया और KKR की टीम एक बार फिर से चैंपियन बनी। 2016 और 2017 में भी ये टीम प्लेऑफ में पहुंची। तो अब जाहिर सी बात है कि गौतम गंभीर ने अब लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़कर KKR का दामन थामने का फैसला कर लिया है। तो अब ये KKR के लिए बहुत ही खुशी का मौका है और अब लखनऊ सुपर जायंट्स को अब कोई गंभीर जैसा सुलझा हुआ मेंटर जो है ढूंढना होगा, उसकी उन्हें तलाश है। कितना बड़ा झटका मानते हैं आप लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गंभीर का जाना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।